जब भी आप पटना से निकलते हैं और गांधी सेतु पार करते हैं तो वहाँ पर आपको जाम की थोड़ी बहुत स्थिति तो वर्षों से दिखाई पड़ रही होगी। दरअसल गांधी सेतु पर लगातार काम जारी रहता है। एक पुल बनने के बाद दूसरे पुल के निर्माण में लोग लग जाते हैं। पूरी प्रक्रिया यही है। अब आप जानिए कि गांधी सेतु को लेकर के नई जानकारी क्या आई है। उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला 5.75 किलोमीटर लंबा महात्मा गांधी सेतु वर्ष 1983 में ही बनकर तैयार हुआ था, लेकिन पुल जर्जर हो जाने के बाद इसके पुराने स्ट्रक्चर को तोड़कर स्टील से नया सुपर स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। फिलहाल पश्चिमी लेन का काम तो पूरा हो चुका है और पूर्वी लेन का काम अंतिम चरण में है। निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर पटना से हाजीपुर का सफर 15 से 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। कोरोना संक्रमण और अन्य समस्याओं के कारण निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा था, लेकिन अब सरकार ने काम में तेजी लाने के लिए निर्माण एजेंसी डाला है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी 30 मई से पूर्वी लेन पर भी गाड़ियों का परिचालन शुरू हो जाएगा। यह एक बड़ी जानकारी है। जो लोग जाम में घंटों फंसते हैं उसके दर्द को यह दवा के रूप में समझा जाएगा और राहत मिलेगी। महात्मा गांधी सेतु के पुराने स्ट्रक्चर को हटाकर नए सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण के बाद यह पुल काफ़ी हाईटेक हो जाएगा। इस पुल में अब मोटरसाइकिल और साइकिल से यात्रा करने वाले लोगों के लिए अलग से व्यवस्था होगी। साथ ही पुल के स्पैन में केबलिंग की भी व्यवस्था की गई है, जिसके द्वारा किसी भी तरीके की पाइपलाइन बिछाई जा सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 और 19 में राजधानी पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाले गांधी सेतु के 46 पाई में से पूर्वी लेन पर 42 स्पैन की सड़क तैयार हो चुकी है। 36 स्पैन की रेलिंग बना ली गई है। 21 स्पैन का मॉस्ट्रिक हो चुका है और 30 स्पैन पर कोलतार बिछाया गया है और 35 स्पैन को आपस में जोड़ दिया गया है। ये है पूरा अपडेट, जिसके जरिए आप यह समझिए कि आपको गांधी सेतु से बहुत जल्द ही सफर करना आसान हो जाएगा। आप जानते होंगे कि करीब 2016-15 के आसपास से ही यह स्थिति वहां बनी हुई है कि काम चलने के कारण दोनों तरफ से जाना मुश्किल होता है। एक ही तरफ से सारा काम होता रहा है। एक साइड का तैयार हुआ पश्चिमी वाला तो पूर्वी पे काम शुरू हो गया। तो इस तरह से लगातार जो है समस्या बनी रही। ट्रैफिक का इशू वहाँ पे हमेशा देखने को मिल जाता है, लेकिन जिस गति से काम सरकार करवा रही है उससे लग रहा है कि आगामी 30 मई तक में सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे और यहाँ से सफ़र करना बेहद आसान होगा। लोग 15 से 20 मिनट के भीतर पटना से हाजीपुर तक की यात्रा कर पाएंगे। तो गांधी सेतु से जुड़ी हुई यह बड़ी जानकारी हमने आप तक साझा की है।